15 अगस्त को दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर भैरोड से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है, जिसमें हाईवे पर कई किलोमीटर तक वाहनों का जाम लगने से आमजन को परेशानी झेलनी पड़ रही है। जयपुर से दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को अलवर रोड की तरफ डाइवर्ट किया गया। हाईवे पर तैनात पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश है कि दिल्ली में 15 अगस्त तक भारी वाहनों का प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा, जिसके चलते जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर ट्रैफिक को भैरोड से अलवर रोड किया है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। भैरोड से ट्रैफिक को डाइवर्ट करने से अलवर रोड से भिवाड़ी के रास्ते दिल्ली पहुंच रहा है, हरियाणा के नारनौल रेवाड़ी के रास्ते से निकल रहा है। पुलिस ने वाहनों को डाइवर्ट तो कर दिया, लेकिन चालकों को लगाकर करना पड़ रहा है। डाइवर्ट के चलते भैरोड से आवश्यक सेवा, फल सब्जी, दूध सप्लाई करने वाले वाहनों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसे वाहनों को डाइवर्ट करने से उनके सामने मुश्किल खड़ी हो गई। फसल सब्जी व दूध समय पर नहीं पहुंचने से खराब होने का डर सता रहा है। सुबह दफ्तर में ड्यूटी पर जाने वाले अधिकारी व कर्मचारियों को भी परेशानी है। काफी संख्या में वाहन जाम में फंस गए, ऐसे में उनका ड्यूटी पर पहुंचना मुश्किल हो गया। जयपुर से दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहनों को डाइवर्ट करने से हाईवे पर करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसके चलते सैकड़ों की संख्या में वाहन जाम में फंसे हुए है। इनमें हजारों लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। अलवर से टिंकू सेन की रिपोर्ट।